चलिए सीधा ही प्रैक्टिकल दिखाता हूं आपको, और आज का वीडियो का टाइटल तो आई एम श्योर आपने पढ़ लिया है कि किस तरीके से जो है टैग मैनेजर का इस्तेमाल करते हुए GA4 यानी कि गूगल का जो एनालिटिक वर्जन 4 है उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे। तो यू कैन सी मेरे पास में ये वेबसाइट है जो कि है digitalmanjeet.com, और इसको जो है मैं डायरेक्टली इंप्लीमेंट करने के लिए दिखाने वाला हूँ, इसके ऊपर अभी इंप्लीमेंटेड नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि आपको बता दूं कि आपको जो है अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सीधे ही अपन बढ़ते हैं। आपने जाना है गूगल पे और यहाँ पे लिखना है टैग मैनेजर। तो टैग मैनेजर आप यहाँ पे आ जाएंगे तो आपकी जो भी ईमेल आईडी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे लॉगिन होना चाहिए और सीधे आप आ जाएंगे टैग मैनेजर पे। अगर आप टैग मैनेजर पहले से इस्तेमाल नहीं करते तो डेफिनेटली उसके लिए आपको जो है साइनअप वगैरह करना पड़ेगा। तो मेरा ऑलरेडी हो रखा है, तो यू कैन सी जो भी आपकी वेबसाइट से इसमें होंगी वो आपको यहाँ पे लिस्ट मिलेगी, लेकिन जिनका लिस्ट नहीं मिल रहा मतलब नया है तो उसमें डेफिनेटली यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। तो अभी हम यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट का नेम, तो मैं यहाँ पे डिजिटल मंजीत के लिए कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिजिटल मंजीत, मेरी यही वेबसाइट के लिए कर रहा हूँ। और यहाँ पे कंट्री तो डेफिनेटली इंडिया है तो इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको जो है आपका कंटेनर का नेम, कंटेनर कहने का मतलब है क्योंकि देखो क्या होता है ना कि एक बार हमें कई तरीके के अलग अलग जो है इवेंट जो है उसके ऊपर में टास्क जो है वो परफॉर्म करने पड़ते हैं, और स्पेशली जब हम गूगल एड्स वगैरह रन वगैरह करते हैं तो ऐसे में जो है यहाँ पे कई सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ती है। लेकिन कंटेनर क्या करता है, ये एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर ही सारी चीजें आपकी इंप्लीमेंटेड होती हैं। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ अपने कंटेनर का नाम दे देता हूँ, विच इज गोइंग टू बी माई वेबसाइट नेम, विच इज www.digitalmanjeet.com। और यहाँ पे मैं इसका नाम लिखने वाला हूँ मैं वेबसाइट के लिए। अगर आप iOS, Android, एम्प या फिर सर्वर के लिए करना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वेबसाइट के लिए, तो मैं यहाँ पे वेबसाइट सेलेक्ट करता हूँ। और अगर आप ये नाम जो है यहाँ पे इस तरह से ना लिए तो आप जो है खुद भी यहाँ पे डिजिटल मंजीत लेके और उसको कॉपी करके इस तरीके से पेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो बाकी के एक्स्ट्रा आपके पास में आ चुके हैं उनको आपने हटा देना है, राइट। इस तरीके से www, देखो यू कैन सी सेम चीज है, बस आपको स्पेलिंग की अगर कहीं दिक्कत हो रही थी इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करें, यहाँ पे क्रिएट पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सीधा आपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है उनको आपने आई एग्री पे क्लिक कर देना है और सीधा यस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो वेब जो टैग मैनेजर है वो बेसिकली इसके लिए रेडी हो चुका है। और ये आपको दो इन्फॉर्मेशन है जो आपको आपकी वेबसाइट के हेडर और बॉडी सेक्शन के अंदर डालना होता है। तो यहाँ पे ये हेडर वाला है तो इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके सीधा चलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद वैसे तो कई सारे प्लगइन्स वगैरह भी मिल जाते हैं लेकिन मैं आपको सीधा प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे थीम फाइल एडिटर में चले जाइए यहाँ पे, तो यहाँ पर जो है आपको एक बार आई अंडरस्टैंड का ऑप्शन आएगा तो उसको आपने क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपने जो है एक फाइल को फाइंड आउट करना है जो कि होती है आपकी यहाँ पे थीम हेडर, यहाँ पे header.php होता है, इस पे क्लिक करना है। यहां पर आप देखेंगे ये रहा आपका हेडर, तो हेडर पे क्लिक करते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। फिर वापस चलते हैं टैग मैनेजर पे, बॉडी वाला टैग लेते हैं, कॉपी करते हैं कौन यहां से, और यहीं पे हमें बॉडी का भी मिल जाएगा, ये रहा बॉडी का टैग, तो यहां से भी हम इसको पेस्ट कर देंगे। एंड पेस्ट करने के बाद सीधा हमने यहाँ पे अपडेट फाइल पे क्लिक कर देना है, ये आपका सक्सेसफुल अपडेट हो गया। तो ये आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आप ऐसा कंफर्टेबल नहीं है तो डेफिनेटली आप प्लगइन वगैरह जो है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, प्लगइन्स वगैरह से भी हो जाता है, हेडर एंड फुटर का प्लगइन आता है उससे भी आप कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे टैग मैनेजर पे जाता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ बिकॉज ये काम हो गया। अगर आप चाहें तो इसको जो है प्रीव्यू करके वापस से टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। टेस्टिंग करने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, तो यहाँ पे आपको अपनी जो भी एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद कॉपी करें और यहाँ से अपनी जो वेबसाइट है उसको पेस्ट करें, कनेक्ट पे क्लिक करें और ये आपका जो है यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो गई, विच मीन्स ये आपका परफेक्टली काम है, यू कैन सी यहाँ पे कनेक्टेड जो है वो आ गया है। तो अभी यहाँ पे कंटिन्यू करें, कई बार यहाँ पे इस तरह का आपके पास में कुछ ब्राउजर के इश्यूज होते हैं उसकी वजह से दिक्कत आ जाती है, बट कोई बात नहीं, आप जो है ब्राउजर के अंदर गूगल एक्सटेंशन जो गूगल का जो टैग मैनेजर है उसकी एक्सटेंशन भी डाल के रख सकते हैं। ये एरर आए तो बेसिकली ये एरर नहीं है, यहाँ पे कुछ ऐसे इश्यूज हैं तो मैं इनको जो है यहाँ पे हटा देता हूँ, ये कई बार ऐसे आपके ब्राउजर में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप देखेंगे आपको यहाँ पे ये जो कोड दिख रहा है ना, ये कोड आपका जो है परफेक्ट होना चाहिए, आपका कोड आपको पता होना चाहिए कि ये परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं। तो यू कैन सी यहाँ पे जो कोड आपके पास में है
XMQ है लास्ट के अंदर, तो यहां पर चल के अपन जो है चेक कर सकते हैं। तो ये आपका कोड नहीं है, यू कैन सी ये वाला कोड और वो वाला कोड दोनों में डिफरेंस है, राइट। यहां पे LZP आना चाहिए था जो कि यहां पर भी है, और यहां पर जो हमारा फायर हुआ है उस पर वो नहीं गया। तो एक बार जो है हम दोबारा से इसको करेंगे, कई बार इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तो बेसिकली हम यहां पे जो है रीओपन पे क्लिक करते हैं, और रीओपन करने के बाद जो है यहां पर वापस चलते हैं, एंड यहां पर अभी जो है यू कैन सी टैग मैनेजर आपका ओपन नहीं हुआ। तो एक काम करें, यहां से वापस जो है आप एक बार बंद करें, फिर से प्रीव्यू पे क्लिक करें, सो दैट कि ये परफेक्टली जो है आपका अपडेट हो सके। तो हम यहां पे लिखते हैं digitalmanjeet.com, राइट, और ओके ये HTTP भी साथ में चाहिए, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और सीधा ही हम यहां पे पेस्ट कर लेते हैं। तो LZP आपका जो है होना चाहिए, तो ये हमारा जो है फायर होगा। तो ये फायर हुआ है यहां पे, और फायर होने के बाद जो है हमने यहां पे जाके इसको चेकआउट करना है। तो यू कैन सी यहां पे टैग मैनेजर नहीं आ रहा था, बट अभी जो है ये देख सकते हैं आ चुका है, और यहां पे ZLP लिखा हुआ है, राइट। तो ZLP है, तो विच मीन्स हमारा जो है ये परफेक्ट है। तो ये इस तरह का एरर आए तो अभी इसको इग्नोर करें, राइट। आपका जो है ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, यहां पे यू कैन सी ZLP आ गया, तो जो कि हमारे पास में यहां पर भी ZLP लगा हुआ है, परफेक्ट है। अभी जो है आप इसको कर दें बंद, आप इस तरह से भी टेस्टिंग कर सकते हैं, या इस क्रोम से भी एक्सटेंशन से भी कर सकते हैं। इतना करने के बाद में अब इसको ये जो एरर आते हैं उसको रिजॉल्व कैसे करना है और क्यों आते हैं उसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाएंगे, बट डोंट वरी, ये एरर्स आपके इंप्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। अभी हमने जाना है गूगल के एनालिटिक के अंदर, तो हम यहां पे जाके लिखते हैं गूगल एनालिटिक में जाएंगे, तो विच इज गोइंग टू बी analytic.google.com, इस पे चले जाएं, और यही आपको रीडायरेक्ट कर रहा है अकेडमी पे। तो एक काम करें, यहां से इसको अकेडमी वगैरह को हटा दें और सीधे आप आ जाएंगे यहां पे एनालिटिक्स पे। तो एनालिटिक्स पे अगर आपने पहले से अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो क्रिएट करना पड़ेगा आपको, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी है तो इसलिए यहां पे ये इस तरह से दिखा रहा है। तो मेरी कुछ और वेबसाइट्स हैं उनके लिए पहले से बने हुआ है। आपने यहां पे एडमिन के ये जो नीचे साइड में सेटिंग का एक गियर का आइकन है, इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको जो है क्रिएट का एक ऑप्शन मिलता है, तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, और यहां पे जाके आपने अपना नाम दे, तो मैं यहां पे ले देता हूं से फॉर एग्जांपल डिजिटल मंजीत, और उसके बाद में सीधा ही आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहां पे आपका प्रॉपर्टी नेम, कहने का मतलब है आपकी जो वेबसाइट है उसको आपने यहां पे डाल देना है, और यहां पे आपका जो रीजन वगैरह है, वो रिपोर्टिंग जो टाइम जोन वगैरह है वो परफेक्ट रखें, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये आपका परफेक्ट हो गया, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहां पे आप अपनी जो कि कंपनी का साइज वगैरह सेलेक्ट करेंगे, और साथ ही साथ आपकी कैटेगरी क्या है, तो डेफिनेटली एजुकेशन है, तो मैं यहां पे एजुकेशन लेता हूं, जॉब एंड एजुकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, और जो भी आपको साइज है आपकी कंपनी का वो सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसको आपने टिक कर देना है। तो यहाँ पे जो मेरी रिक्वायरमेंट्स है मैं यहाँ पे टिक करने के बाद मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करता हूँ, आई एक्सेप्ट पे क्लिक करता हूँ, एंड यहां पे आने के बाद आपका फिर अगेन पूछ रहा है कि आप ये किसके लिए इंप्लीमेंट कर रहे हैं, आपकी एंड्रॉइड ऐप है या iOS ऐप है या वेब है। तो हमारे केस में वेब है, तो मैं वेब पे क्लिक करता हूं, एंड वेब पे क्लिक करने के बाद यहां पर आप जो है ये गियर का आइकन क्लिक करके आपका किस किस के लिए आप इसको जो है एनेबल करना चाहते हैं, डिसेबल करना चाहते हैं, वो आप यहां से मैनेज कर सकते हैं। इसके बारे में हम और डिटेल के अंदर जो है आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी बाय डिफॉल्ट जो आपके हैं वो आप उनको ही रहने दें, इसमें कोई चेंजेस करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं, जस्ट मैंने आपको दिखा दिया। यहां पर आपको अपनी वेबसाइट का जो है वो डालना है डिटेल, तो यहां पर मैं डाल देता हूं लेट्स से digitalmanjeet.com, और फिर वापस यही जो है मैं यहां से कॉपी करता हूं और इधर भी ऐड कर देता हूं, और फाइनली हम यहां पे क्रिएट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। और जैसे क्रिएट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यू कैन सी आपका जो यहां पे जो है वेबसाइट का पूरा रेडी हो चुका है। और अगर सेटअप एंड गूगल टैग, तो अगर आपके गूगल टैग को आप कोड, अगर कोई आपकी कोडिंग से बनी हुई वेबसाइट है तो डेफिनेटली आपको ये वाला कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका ये नहीं है तो आप जो है इसको बंद करेंगे तो एक और पॉपअप ओपन होगा यहां पे। तो ये जो पॉपअप है इसमें से आपको ये जो आपका मेजरमेंट आईडी है ये आपने कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद वापस से टैग मैनेजर पे जाना है। अब यहां पे जाके टैग पे क्लिक करना है, और टैग पे क्लिक करने के बाद क्योंकि अभी पहली बार हम टैग क्रिएट कर रहे हैं, न्यू पे क्लिक करना है, और यहां पे जाके आपने इसको जो है नाम दे दें, तो हम यहां पे नाम दे दे रहे हैं GA4, और यहां पे जो है हमने इसको क्रिएट करना है, तो डेफिनेटली आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा काहे के लिए, तो गूगल एनालिटिक्स,
गूगल एनालिटिक में हम गूगल टैग को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपने वो टैग की आईडी डाल देनी है, और डालने के बाद नीचे जो है आपका ट्रिगरिंग पे क्लिक करना है, ऑल पेजेस पे क्लिक करना है एंड ऐड पे क्लिक कर देना है, और फाइनली जो है ऐड पे क्लिक करने के बाद आपने इसको कर देना है सेव। सेव करने के बाद में सबमिट पे क्लिक करना है, और सबमिट पे सीधा आपने जो इसको पब्लिश पे क्लिक कर देना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। एंड यू कैन सी आपका टैग मैनेजर जो है वो आपका यहाँ पे कंप्लीटली पब्लिश हो चुका है, ये देख सकते हैं आपका लाइव हो चुका है, पब्लिश हो चुका है। अब आपने एक सेटिंग और करनी है, गूगल एनालिटिक्स में वापस जाएं, इसको कर दें बंद। इसको बंद करने के बाद जो है आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो है कंटिन्यू क्लिक करना है इस पे, और यहां पे आने के बाद जो है आपने अपने जो ओके डिजिटल मंजिल सेलेक्ट हो गया, यू कैन सी यहां पर आपने आने के बाद में यहां पे नीचे सेटिंग पे क्लिक करना है। यहां पर आपको एक मिलेगा डेटा कलेक्शन एंड मॉडिफिकेशन, इसके अंदर आपको मिलेगा डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन पे जाना है। यहां पर ये जो आपको टर्न ऑन किए हैं इनको सभी को आपने टर्न ऑन कर देना है। और सबसे नीचे साइड पे जाके आपको जो है यहाँ पे यू कैन सी आपको जहां जहां पे भी ये टर्न ऑन का नोटिफिकेशन मिले वो आपने करना है एंड आई एक्नॉलेज पे क्लिक कर देना है। बस यहां पर जैसे ही आप ये कंप्लीट करते हैं तो एंड यू कैन सी आपका जो वेबसाइट है, आपका जो GA4 है वो आपकी वेबसाइट के साथ में इंटीग्रेट हो चुका है। अब आपका कोई भी अगर ये वेबसाइट को ओपन करता है तो डेफिनेटली आप जो है इसको ट्रैक कर पाएंगे रियल टाइम के अंदर कि कहां पर क्या कहां कहां से आपके पास में ट्रैफिक वगैरह आ रहा है, तो ये रियल टाइम के अंदर जाके जो है आप सारी चीजों को चेकआउट कर पाएंगे। तो अभी क्योंकि ये मेरी नई वेबसाइट है, अभी इसको मैंने प्रमोट करना भी स्टार्ट नहीं करा, तो इसलिए कोई भी ट्रैफिक नहीं है। बट लेट्स सी अगर हम एक जो है इसको डिफरेंट विंडो के अंदर ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद जो है इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं। लेट्स सी कि हमारे पास में थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज GA4 है, फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको यहाँ पे। एक बार जब इनिशियली सेटअप हम करते हैं तो कई बार फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन उसके बाद में जो है यह ऑटोमेटिकली आपका सारा डेटा जो है रियल टाइम में आपके पास में फैच होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका जो है प्रोसेस कंप्लीट होता है GA4 का, यानी कि आपका गूगल एनालिटिक अपनी वेबसाइट के साथ में किस तरह से इंटीग्रेट करना है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी हमारा जो है यहाँ पे पेज पे यू कैन सी मेरे ब्राउजर का कुछ इशू है जिसकी वजह से ये फायर नहीं करने दे रहा है, यू कैन सी यहाँ पे ये फायर नहीं करने दे रहा जिसकी वजह से हमें यहाँ पे नहीं देख पा रहे। सो इस तरीके से जो है आपका पूरा का पूरा जो है GA4 जो है वो आपका इंप्लीमेंट किया जाता है वेबसाइट्स के साथ में। आई होप कि गाइज आपको जो है पूरा प्रैक्टिकल जो है समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप जो है मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आने वाला जो है हमारा जो DM चर्चा होगा उसके अंदर एड्रेस करूंगा, या फिर जो है अगर आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह भी देते हैं तो डेफिनेटली माइट भी हमारी टीम जो है वो आपको हेल्प कर सकती है। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, नए टाइटल के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।